अभी जब फिल्मों में आपको बड़ी बड़ी फिल्में मिल जाएंगी तो इसका आपको कैसे और आपको रिस्पॉन्स अच्छे थे तो कैसा फील होता है? एक्चुअली अभी जो आपका क्वेश्चन था कि इंस्पिरेशन, अभी मेरा इंस्पिरेशन है मेरा जो सिचुएशंस मिलते हैं ना सॉन्ग्स का, जो सिचुएशंस है सॉन्ग सीक्वेंसेस, जो जैसा एक रोमांटिक गाना हो या कुछ, जैसा राज में मैंने, राज रिकॉर्ड में मैंने म्यूजिक किया, थोड़ा सा हॉरर है, थोड़ा सा डार्क डार्क फिल्म है, तो उस हिसाब से मेरा मुझे इंस्पायर करता है। जैसे हमारी अधूरी कहानी जब मैंने बनाया था तो वहां से भट्ट साहब जब बोल रहे थे, मुकेश जी जब बोल रहे थे कि ऐसा फिल्म है कि ऐसा गाना बना बहुत दिन तक रहे, फिर मैं गिटार लेके बैठा था वहां पे गाना आ गया था हमारी अधूरी कहानी ऐसा आ गया था। फिर राज का जो गाना मैंने बनाया, राज में पांच गाना है मेरा, तो पांच गाना हर सीक्वेंसेस हर इतना अच्छा, विक्रम ने ये फिल्म बनाया और सारे जो सिचुएशंस है इंस्पायर करते गए मुझे। अभी रुस्तम आ रहा है मेरा फिल्म, रुस्तम अक्षय कुमार, दो फिल्म दो गाना है मेरा रुस्तम, ओके, तो उसमें बॉलरूम सीक्वेंस है, नीरज पांडे जी मेरा फेवरेट डायरेक्टर है वो, तो नीरज जी हमको बुलाया और एक सीक्वेंस बताया कि बॉलरूम का एक गाना है, बॉलरूम बहुत दिन तक नहीं हुआ, बॉलरूम का जो गाना बनते थे पहले, अभी क्या बनते हैं, तो अभी देखा हजारों दफा मैंने बनाया, तो इंस्पायर किया मुझे वो सीक्वेंस, तो वैसे ही मैं बनाता हूँ। जब मुस्कुराने की वजह बनाया तो वो भी मुझे इंस्पायर किया था कि गांव से एक फैमिली आ रहा है बॉम्बे में स्ट्रगल करने के लिए, उनका लाइफ में क्या होना चाहिए, तो मुस्कुराने की वजह हुआ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओके।